हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीत बुटीक। कैसे आप सभी, होप करते सभी अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको मटके गले की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। वीडियो काफी छोटी है और काफी अच्छे से मैंने इसमें समझाया है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं हम अपने मटके गले की कटिंग। गला कट करने के लिए हम बुकरम को डबल फोल्ड कर लेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 7 इंच के करीब ये बुकरम रखी है, आप देख सकते हो। इसे मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है, जिधर से हमारा ये बंद हिस्सा होगा वहाँ से हम निशान लगाएंगे। गले की ब्रॉड यहाँ पे मैं 3 इंच रख रही हूँ और इस बुकरम को सेट कर रही हूँ, मतलब जिधर से ये फोल्ड है ना वहाँ से थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसीलिए मैं इसको पलट रही हूँ। और नीचे मैं 9.5 इंच का डीप रख रही हूँ गला, जो हमारा बोट नेक बन जो हमारा मटका गले बनेगा। और यहाँ पे भी 3 इंच पे ही निशान लगा के और एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। जब भी कोई भी गला अगर बनाते हो, मोस्टली मैं आपको इस तरीके से बॉक्स बना लेना है जो कि रेक्टेंगल में होगा। उसके बाद गला चाहे कितना ही डीप क्यों ना हो, यहाँ से आपको 3 इंच पे ही निशान लगाना है और 1/2 इंच अंदर की साइड ये निशान लगा लेना है। ये बिल्कुल अच्छे से मेजरमेंट आपको बता रही हूँ। उसके बाद जितना हमारा गला बच गया है 3 इंच के बाद, उसका हमें आधा कर लेना है। फिर हमें देखना है कि हमें अपना जो मटका गला वो कितना ब्रॉड करना है, 4 इंच करना है या 5 इंच करना है, जितना भी आपको ब्रॉड करना है उसका निशान यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारा गला है उसकी शेप देनी है। यहाँ पे पेन से आपको अच्छे से, मतलब ये बुकरम पे चल भी नहीं रहा था अच्छे से पेन, तो यहाँ पे मैं चौक से आपको एक बार निशान लगा के दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से मैं ये मटके की शेप दे दूंगी। धीरे धीरे आपको ये हाथ आपका जम जाएगा, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो। उसके बाद ऐसे हम इस तरीके से शेप देंगे, चाहे तो आप थोड़ी सी कम भी दे सकते हो या फिर ज़्यादा भी दे सकते हो, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मैं ये निशान लगा रही हूँ। आपको जितना भी चौड़ा चाहिए है गला, मतलब आप चाहे तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो या फिर 1/2 इंच या फिर 1 इंच, इस तरीके से आप लेके रख सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 इंच पे निशान लगा दिया है और इन निशानों को भी हम ऐसे मिला देंगे। अब हम इन्हें कट कर देंगे इन्हीं निशानों पे। पहले मैं बाहर को कट करूंगी, क्योंकि जब हम अंदर से कट कर देते हैं ना तो फिर बाहर का कट करते वक्त ये हिल जाता है, इसीलिए मैं पहले बाहर से कट करती हूँ कोई भी जो नेक कट करती हूँ उसे। तो इस तरीके से अब हम अंदर से भी कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टिचिंग कोर्स करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो। मैं इस चैनल पे कोर्स लेके आई हुई हूँ जो कि ब्लाउज का है। ये गले की ब्रॉड मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, मतलब जो बुकरम एक्स्ट्रा वाली वो ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं इसको एक बार और कट कर देती हूँ ताकि हमारा ये जो ज़्यादा ब्रॉड है ये कम हो जाए। अब इसे मैं खोल के आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो ये हमारे मटके गले की कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।